हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक्स सेफ्टी एट रवैद। टुडे आई शैल डिस्कस अबाउट रिव्यूइंग ऑफ पॉलिसी। आपको बता दें, आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो ये क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कब और किस किस सरकमस्टेंसेस में, किस किस सिचुएशन में रिव्यू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज रिव्यूइंग पॉलिसी। हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी जो होता है, जब उसको एक बार बना दिया जाता है, जब उसको एक बार रेडी कर दिया जाता है, तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया जाएगा। यानी जो कुछ भी बना दिया गया एज ए रिजिड एंड अनचेंजिंग है, ऐसा कभी भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करते रहना चाहिए और जो भी करेंट अपडेटेड्स हैं उसको अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होता है वो काफी रिलेवेंट होता है। इसलिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को अगर एज पर रिक्वायरमेंट अगर हम क्या करते हैं, रिव्यू करते रहते हैं, तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा या हमारी जो पॉलिसी होगी वो काफी हद तक बेहतर होगी, रिलेवेंट होगी और लाइफ पॉलिसी कहलाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम पॉलिसी को क्या करें, रेगुलर बेसिस पे हम रिव्यू करते रहें। अगर किसी तरह के जो हम नीचे सरकमस्टेंसेस बताने जा रहे हैं, अगर वो सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं, तो डेफिनेटली एनुअली तो एक बार हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू बिल्कुल ही करना जरूरी होता है। जबकि और भी दूसरे सरकमस्टेंसेस हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं और लीगल हैं, इन सब परिस्थिति में भी हमको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को चेंजेस करना पड़ता है। अब हम उन सरकमस्टेंसेस पर बात करने जा रहे हैं जो सरकमस्टेंसेस की वजह से, है ना, हमको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बता दें कि वो सरकमस्टेंसेस जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है, उसमें पहला है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, सपोज हम लोग पहले मैनुअली काम करते थे, मैनुअल हैंडलिंग हम लोग पहले क्या करते थे, अब कोई वहां प्लांट एंड कोई मशीन एंड इक्विपमेंट को लाया गया है जिसका यूज किया जाने वाला है उस मैनुअल हैंडलिंग की जगह पे। ठीक है, या फिर जहां हम लोग चैन पुलिंग के माध्यम से कोई काम करते थे, अब वहां हम लोग, है ना, जेसीबी के माध्यम से अब वो काम करने वाले हैं। ठीक है, या फिर क्रेन के माध्यम से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग वहां की जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पहले से बनी हुई है, हम उसे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके अंदर चेंजेस जो रिक्वायर्ड है वो हम अपडेट करेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ठीक है, कभी कभी जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जो अपर मैनेजमेंट हैं या टॉप टायर जो मैनेजमेंट हैं, अगर उसमें किसी तरह के चेंजेस होते हैं या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें किसी तरह के चेंजेस होते हैं, यानी किसी का प्रमोशन हो जाता है, जो पहले सीईओ नहीं था वो अब सीईओ बन जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे परिस्थिति में भी आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है लीगल चेंजेस, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज जो हमारे लोकल बॉडीज हैं या जो हमारे नेशनल लॉज बॉडीज हैं उनकी तरफ से, या जो हमारे इन्फोर्समेंट बॉडीज हैं, या इस तरह के जो भी मतलब लीगली किसी तरह के डिसीजन को लेने के योग्य हैं या उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, और वो किसी तरह का चेंजेस का वो क्या किया,
ऐलान किया या वो किसी तरह का जो न्यू लेजिस्लेशन का इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसे परिस्थिति में भी हमको हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। जो उसकी पॉलिसी हमने पहले से बना रखी है उस पॉलिसी में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। और जो न्यू अपडेट आया है, जो न्यू लीगल चेंजेस आया है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं चेंजेस टू द टाइप ऑफ वर्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम को क्या कर रहे थे, अब उस तरीके से काम को नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के काम के करने का जो तरीका है वो अलग हो चुका है। ठीक है, सपोज व्हेन वर्क अरेंजमेंट्स चेंजेस, जैसे एक वर्क अरेंजमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, या वर्क का टाइप चेंज हो गया है। जैसे सपोज हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को जो तैयार किया गया था वो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते थे उस पर वो तैयार किया गया था, अब हमें वर्क एट हाइट पे कोई काम करना है तो वर्क एट हाइट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, या सपोज पहले हम लोग नॉर्मल किसी तरह के मतलब मैकेनिकल काम क्या कर रहे थे, अब हम लोग किसी केमिकल के साथ काम करने जा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भी हमको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारी जो बात होने वाली है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट करते हैं या इन्वेस्टिगेशन होता है या रिस्क असेसमेंट होता है, और उनके माध्यम से हमको सजेशन दिया जाता है कि अब जो पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी का बना हुआ था अब वो आगे इफेक्टिव नहीं माना जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑडिट करने से क्या होता है, जो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और जो वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पता चलता है। तो डेफिनेटली ऑडिट के जरिए से ये पता चला कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी करंट में यूज किया जा रहा है अब वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इफेक्टिव नहीं माना जा रहा है या इफेक्टिव नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन किया गया किसी तरह के एक्सीडेंट होने के बाद, या जो रिस्क होते हैं उसके असेसमेंट किया गया, तो इन सब सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस में ये हमको सजेशन मिला या ये हमको राय मिली, मशवरा मिला कि नहीं, द पॉलिसी इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, यानी पॉलिसी अब आगे इफेक्टिव नहीं है, तो हमें इफेक्टिव पॉलिसी बनाने के लिए जो जो रिक्वायर्ड है हमें उन सारे रिक्वायर्ड को फुलफिल करके जो करंट हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है कि व्हेन रिक्वेस्टेड बाय अ थर्ड पार्टी सच एज इंश्योरेंस कंपनी और क्लाइंट। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे क्लाइंट होते हैं या जो हम जो इंश्योरेंस देने वाली जो कंपनियां होती हैं वो तो दे देती हैं, या क्लाइंट जब आते हैं वर्क साइट पे तो देखते हैं, देखने के बाद वो कहते हैं कि नहीं अब यहाँ इस तरह के मतलब चेंजेस की जरूरत है, ठीक है, या इस तरह का यहाँ बदलाव करना पड़ेगा, ये जो आप जिस तरह से कर रहे हैं ये सही नहीं है, अनसेफ एक्ट माना जा रहा है इस तरह से काम करने को, या जो जो सिचुएशन आपकी कंपनी कई जगह आपकी कंपनी के अंदर जो सिचुएशन है वो अनसेफ कंडीशन के अंदर आती है, इसलिए अब हम आगे फर्दर अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी या क्लाइंट के अगर इस तरह के कोई सजेशन होते हैं या थर्ड पार्टी की तरफ से कोई सजेशन होते हैं, तो इस तरह के परिस्थिति में भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो इन्फोर्समेंट एक्शन होता है। ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि जो लोकल बॉडीज होते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन है, फायर डिपार्टमेंट है, कभी कभी जो हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होते हैं वो लोग भी हमारे कभी कभी इन्फोर्समेंट एक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो किसी तरह का अगर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज का ब्रीचिंग किया गया, ठीक है, ब्रीचिंग के बाद इन्फोर्समेंट एक्शन लिया गया, तो इन्फोर्समेंट एक्शन लेने के बाद हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो कंपनी का होगा या ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फोर्समेंट एक्शन लिया गया तो आखिर कोई ना कोई हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज का ब्रीचिंग हुआ है, या कहीं ना कहीं हेल्थ एंड सेफ्टी वीक पाया गया है, या कहीं ना कहीं हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए जो या जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड नहीं पाया गया है, तो ऐसे केसेस में भी हमको जो है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंसल्टेशन विद द वर्कफोर्स।
आपने वर्कफोर्स के साथ कंसल्ट किया, यानी जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसके साथ बातचीत हुई। बातचीत के बाद पता चला कि जो करेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का है वो काफी अलग है, क्योंकि वर्कर काफी हेल्थ रिस्क को क्या करते हैं, मतलब एक्सपोज करते हैं। वर्कर काफी इल हेल्थ अफेक्टेड हैं, वर्कर्स को काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंजुरी हो रही है। तो वर्कर के साथ जब कंसल्टेशन किया गया तो पता चला कि नहीं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी करेंट में है कंपनी के अंदर वो बिल्कुल बदलना होगा, अब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो वर्क साइट है या जो टास्क है वो काफी हैजार्डस हो चुका है। उसमें जो चीजें हैं वो बिल्कुल पॉलिसी के अंदर नहीं है, जो पॉलिसी में है वो एज पर जो वर्क साइट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वर्कफोर्स या वर्कर्स का कंसल्टेशन हो रहा है तो वर्कर के कंसल्टेशन को मानते हुए भी हमको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। बिल्डिंग वर्क प्लेस या वर्क साइट में किसी तरह के अगर चेंजेस हो रहे हैं, सपोज हम लोग पहले ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, अब ऑर्किड हाइट पे काम कर रहे हैं। सपोज पहले हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, अब हम लोग किसी सुरंग या टनल में काम करने वाले हैं। इस तरह के वर्क साइट में अगर किसी तरह का चेंजेस हो रहा है तो डेफिनेटली हमको ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सरकमस्टेंसेस में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बताने जा रहे हैं अब लास्ट पॉइंट, कि सर्टेन टाइम जो होता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, 1 साल का होता है, मतलब किसी तरह के जो मैंने ऊपर सरकमस्टेंसेस को बताया है, समझाया है, उन सारे सरकमस्टेंसेस से बिल्कुल अलग है, हटके है। कोई भी ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो 1 साल पूरा होने के बाद तो हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना ही पड़ेगा। यानी कुल मिला के यह कहना यह चाहते हैं कि किसी तरह के ऐसे सरकमस्टेंसेस नहीं पाए गए जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को अपडेट करना है, तो 100% 1 साल पूरा होने के बाद हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करने का पर्पस क्या होता है। तो सिंपल है, द एम ऑफ द रिव्यू इज टू मेक श्योर दैट द पॉलिसी इज अप टू डेट एंड एक्यूरेट। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इसलिए रिव्यू किया जाता है ताकि इससे यह चीज सुनिश्चित किया जाए कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वो अप टू डेट है और बिल्कुल एक्यूरेट यानी परफेक्ट है एंड रेलिवेंट है एंड लाइव है। ठीक है, द डेट ऑफ द लास्ट रिव्यू शुड बी रिकॉर्डेड ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स टू इंडिकेट हाउ करेंट दे आर। ठीक है, जब भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे तो रिव्यू डेट 100% हमको श्योर करना है कि वहां दर्ज होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ताकि आगे का डेट को हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आगे के जो हमको हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करना है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ तो 100% आपको एनुअली यानी 1 साल पर तो करना ही है। तो इन सब चीजों के कारण हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैक्स सेफ्टी एट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।